सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वकील साहब को आ सकते हैं? वकील साहब को आ सकते हैं? क्यों? वकील साहब का काम है। वकील साहब यहाँ नहीं है। आप अंदर जाइए। आप है ना? आप जाइए। आप अंदर जाइए। आप वकील भिजवा दीजिए। कॉपी आप अंदर भिजवा दीजिए। आदेश लिख देंगे, उसको मान लिया जाएगा। बस उसको लेकर अंदर जाना है मुझे। मतलब और बाहर हम चार में जैसे हम अभी निकले, हम शांति पूर्वक जा रहे थे, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये हम लोग करवाते हैं। तो मैं तो बाहर ही निकल गई थी, वो तो बाहर ही थी ना, मैं तो बाहर ही थी। मुझे देख के नारे लगाएंगे वो लोग, बदतमीजी करेंगे। नहीं जाता, मत जाइए। नहीं, आप उनको मना तो कर सकते हैं, हम लोग करवाते हैं। दोनों पक्षों का नारे लगाएंगे? नारे किस बात पे लगा रहे हैं? नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, हम लोग करवाते हैं। ठीक है, वो चलिए। एक तो दूसरा, नहीं नहीं सीओ साहब, हम इसी प्लान में रहेंगे, बाहर जा रहे हैं। लेकिन आप वो लोगों को देखो, पूरा इधर भी गिरे, इधर भी गिरे, हमने कहा कर रहे हैं, उसको हमने कहा करवा दिया। ठीक है, आज का जो चुनाव हो रहा है अविश्वास के, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने निर्धारित समय अपने ऑफिस पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कोर्ट का ऑर्डर था मेरे पास, मैंने वो देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया और मना कर दिया। हम उनका वीडियो फर्जी बता रहे, जो उन्होंने अपने घर में बैठ के उनके बेटे से बनवाया मारपीट करके जबरदस्ती। तो इसमें कहां तक आपको क्या लगता है कि ये सत्ता के मद में आके, सत्ता के मद में चूर, नशे में चूर लोग लगातार सारे बीडीसी मेंबरों के घर जाकर डराना, धमकाना, गुंडाई करके जबरदस्ती उठाना। और हम लोगों जब एप्लीकेशन दिया दी जा रही, हम लोगों की तरफ से, मतलब कि जिन मेंबरों को धमकाया उसके परिवार की तरफ से जब एप्लीकेशन दी जा रही, तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और ये लोग मारपीट के जिससे बयान करवा रहे, उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये हमारे प्रमुख के पति पर, सत्यपाल यादव के ऊपर, उनके ससुर के ऊपर लगातार मुकदमा लिखने का प्रयास किया जा रहा, राठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अध्यक्ष जी, आज अविश्वास कराया है राठ में, इस बारे में क्या कहेंगे? अविश्वास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और सभी यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य अविश्वास कराने में, वोटिंग कराने में थे, उनकी मर्जी थी, यहाँ का अविश्वास पारित हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे सदस्यों को, बीडीसी सदस्यों को? उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये लोग समाजवादी सरकार में गुंडे की दम पर जो ब्लॉक प्रमुख बने थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने इनका अंत किया। आपने एक के बाद एक लगातार सीटें यहाँ पे गिराई हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और जो सदस्य मेंबर साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे पदाधिकारी साथ में, माननीय मंडल अध्यक्ष जी साथ में है, महामंत्री जी साथ में है, सब लोग साथ में हैं, संगठन की ताकत अटूट होती है। नेता जी, संभावित ब्लॉक प्रमुख अगला कौन होगा? अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी का निर्देश होगा वही ब्लॉक प्रमुख होगा। मुझको अंदर नहीं जाने दिया, ये लोकतंत्र की हत्या है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का, तो सरासर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक प्रत्याशी अंदर नहीं जा सकता, आखिर वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे ये वजह है कि ये लोग बेईमानी करना चाहते हैं मेरे साथ, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास संख्या बल है तो तुम लेकर के क्यों नहीं आते हो? लोगों को प्रेम से, लोगों को जिस ढंग से ला सकते हो उस हिसाब से लाना चाहिए, ना कि प्रेशर से। तो जिस तरीके से सत्ता का, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के ऊपर, उसके इतना ज़्यादा प्रेशर कि लगातार मुकदमे पर मुकदमे लगाने की धमकी दी जा रही है, पुलिस लगातार दबिश पे दबिश दे रही है, ये कहाँ का न्याय है? और सरकारें आती जाती रहती हैं, समय परिवर्तनशील होता है, कभी जो है हम लोगों की सरकारें नहीं है, कभी हम लोगों ने सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। अगर
इस तरीके से होगा तो लोकतंत्र है ये, हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, इतनी आसानी से सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आज राट ब्लॉक में अविश्वास हुआ है सर, थोड़ा जानकारी दीजिए सर। ये वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख थी श्रीमती अंजना, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज बैठक थी 13 तारीख को। उसमें बैठक में 26 लोगों ने प्रतिभाग किया और 26 लोगों ने उनके विरुद्ध मतदान किया था। इस तरीके से यहाँ कुल सदस्य 47 हैं और 47 के रिस्पेक्ट में 26 मतलब आधे से अधिक लोगों ने मतदान करके उनका अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित कर दिया। अब आगे सर क्या कार्रवाई होगी आगे का ब्लॉक प्रमुख पद पे? आगे अभी देखते हैं, उसकी प्रक्रिया लगभग 5-6 महीने लग जाएगा। अभी आगे का अभी देखते हैं कि क्या उसमें होता है, अभी उसमें ज़्यादा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।